तो एंड तो, की थी जिधर उसने दो टाइप्स बताए थे एक तो एससीपी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागन क्लोज पैकिंग आज की क्लास में 1D से 2D से 3D की तरफ चलेंगे और एससीपी पीसीसी तक पूरा का पूरा फिनिश करेंगे शायद आपको कुछ ऐसी है कोऑर्डिनेशन नंबर है ए आपका रिलेशन है यानी कि एक्सिस और आपका इससे क्या रिलेशन होता है हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस इज इक्वल टू 2 ये बताओ किसके लिए रिलेशन वाले हैं

फिफ्टीन ऑफ जनवरी आपका टेस्ट करने वाला है ठीक है सेम टाइम सो दैट आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा इसको समझने के लिए और हम तीन क्लासेस में फिनिश कर लेंगे लेकिन लेकिन व्हाट लेकिन व्हाट आपका पूरा डिटेल में होगा इस टाइम की टॉपिक आ रहा है और टाइम से आपको शुरू करना है आप इधर आपके पास ये लगा है कि सबसे बॉक्स में एक प्रोफाइल भी दे है उसको आप बड़ा करके साथ फॉलो कर लीजिए कम्युनिटी पोस्ट में

अभी मेरे को बताइए अभी आप लोगों को वॉइस क्लियर है क्या बिल्कुल अच्छे से अभी बताओ यार अभी भी ऐसा लग रहा है वॉइस का गड़बड़ है जल्दी बताएंगे जल्दी जल्दी मैं खुद भी चेक कर लेते हैं एक बार यार अब तो ठीक है है ना आई थिंक नाउ इट इज परफेक्ट अभी वैसा ही एकदम परफेक्ट जिसकी आपको आदत है है ना तो हाउ इज द जोश नाउ अब तो वॉइस भी परफेक्ट है तो यार थोड़ा सा ऐसा दिखाओ एनर्जी मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज ना इनको घर पे जो है ब्रेकफास्ट तो पता नहीं मिला कि नहीं मिला है थोड़े से ढीले ढीले लग रहे हो मेरे को तुम तो, है ना नहीं ऐसा नहीं है मैम पूरा जबरदस्त वाला ब्रेकफास्ट कर कर आए हैं आप ठीक है अब ही क्लियर ओके तो देखिए लास्ट लास्ट में मैंने आपको यही बताया था कि जो भी आपकी हायर डायमेंशन होती है ना वो आपकी प्रायर आ, मतलब कि थ्री हमेशा

तो तो यार वंडी में तो एक ही तरीका था आटम्स को अरेंज करने का अगर मेरे को अलोंग दी एक्स एक्सिस अलोंग दी एक्स एक्सिस ये मेरी एक्सिस है और यार इसके अलोंग अगर मेरे को आटम्स को अरेंज करना है तो मेरे पास बनता ही एक तरीका है है ना हम सिर्फ एटम के बाजू में आटम रख सकते हैं एक एटम के साइड में, आटम, आटम के में आटम, यही है, और तो कोई भी नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम वो आइटम सेलेक्ट करते हैं जिसका एनवायरमेंट जो है मैक्सिमम या फिर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हो तो आपने इस तरीके से बीच में से एक एटम उठाया था और इसको डायरेक्टली ये दोनों आटम टच करते हैं इसीलिए यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है और ये बात भी अभी सबको क्लियर है कि हम एटम कौन सा सेलेक्ट करते हैं जो नीचे ये रेड में लिखा है क्या कि जिसका एनवायरमेंट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है वही वाला एटम आपका सेलेक्ट किया जाता है बोलो यार है ना उसके बाद हमने 2d की बात की थी और ये आई होप सबको क्लियर है कि हम लोग जो है 1d वाले अरेंजमेंट से ही 2d अरेंजमेंट तक पहुंचते हैं और 2d में हमारे पास एक और एक्सिस आ जाती है ठीक है

ये डिप्रेशन दिख रहा है भाई ये खाली जगह इसके डिप्रेशन में यहां पर आपके सेकेंड एक्ट सेकेंड लेयर इधर बना दो आप सही है तो ये एक तरीका था राइट right? अब इसका हमने नेमिंग भी किया था नेमिंग हमने कैसे किया था कि देखो यार अगर मैं ये वाली लेयर को मेरी ये वाली जो लेयर है अगर मैं इसको लेयर ए बोलती हूँ तो मेरे को साफ दिख रहा है कि इसके जो नीचे लेयर है, यहां पर आप ये वाला आइटम देखिए ये आइटम देखिए क्या इनके सेंटर मतलब फर्स्ट वाली लेयर का नाम ये वाली जो लेयर है इसका नाम अगर मैंने ए रखा है तो मेरे को दूसरी लेयर को भी ए बोलना चाहिए बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल सेम टू तो सेम डिटो वैसे ही तो है तो यहां पर आपके पास क्या जाएगा यहां पर इसका नाम भी ए हो जाएगा सेकंड लेयर का भी और ये थर्ड लेयर का भी इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये वाला जो अरेंजमेंट है वो हमारा ए टाइप अरेंजमेंट कहलाता है ए टाइप अरेंजमेंट कहां पर ये ब्रैकेट में 2D लिखना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए टाइप अरेंजमेंट आपका 3D में भी आता है और वो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है तो प्लीज यू डोंट हैव टू मिक्स द टू ए टाइप अरेंजमेंट ये किसका है 2D का है उसके बाद आपके पास आपके पास दूसरा अरेंजमेंट आता है टूडी के अंदर ही और यहाँ पर देखेंगे यार देखो इसको भी हम लोग नेम जब देंगे तो यहाँ पर ये वाली जो आपकी लेयर है वो ए टाइप लेयर है इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होगी नहीं है ना तो यार ये मेरी ए वाली लेयर है ये उसके बाद व्हाट अबाउट दिस सेकंड लेयर सेकंड लेयर आपका अगर देखेंगे तो ये वाली जो आपकी लेयर है ये थोड़ी सी क्योंकि देखो यार जो आपकी फर्स्ट लेयर है

तुम बता दो अभी ठीक है तो इसको अब ऑबवियसली द फर्स्ट लेयर एंड द सेकंड लेयर आर नॉट द सेम दोनों अलग-अलग तो हैं सेंटेंस कहां मिल रहे हैं एक दूसरे के नहीं मिल रहे हैं ना तो इसीलिए आप दूसरी वाली लेयर को क्या बोलते हो बी लेयर बोलते हो और मेरे को दिख रहा है कि मेरी सेकंड और फोर्थ लेयर सेम है इसका मतलब ये भी आपकी बी लेयर हो जाएगी बोला इसलिए हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं ए बी ए बी टाइप अरेंजमेंट यानी कि

अब ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा कि बताओ इसका नाम क्या है ए ए, ए, ए ऐसे सोचो तुम्हारा नाम रख देते यहाँ पर हमारे पास कौन है संजना और संजना को संजना कहने की जगह ऐसे तो ये ये होता है भाई है ना तो यार इसको बेचारे को पूरा अच्छा सा एक प्रॉपर नेम हम इसके लिए डिफाइन करते हैं तो इसको ये जो आपका ए टाइप अरेंजमेंट है इसको हमने क्या कहा इसको हमने आपका स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग कहा

है ना तो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है आपके मन में पक्का एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि यार मैम एक बात बताओ यहां पर आपके पास ये वाला आइटम मैं तो इसको यूनिट सेल बोल सकता हूँ क्यों क्योंकि यार इस, इस ये आटम एक खुद में यूनिट सेल ही तो है मतलब इसके साइड में आप एक आइटम रखो इधर आइटम इधर आइटम इसके नीचे आइटम ऊपर आइटम इधर आइटम उधर आइटम यही वाला अरेंजमेंट आ जाएगा है ना

ये बिल्कुल ठीक है कि ये सारे के सारे जो मैंने बनाए हैं वो यूनिट सेल है इसमें कोई डाउट ही नहीं है सारे यूनिट सेल है देखो ना इसको रिपीट करूंगी तो भी यही अरेंजमेंट बनेगा इसको रिपीट करूंगी सारे एक्सिस पे तो भी यही अरेंजमेंट बनेगा वट अबाउट दिस ट्राइंगल ट्राइंगल में तुम्हें थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा होगा यार बनेगा कि नहीं बनेगा है ना और कुछ जो थोड़े से ज्यादा ऐसे हैं मतलब कि थोड़े से एक्स्ट्रा मतलब इमेजिनेशन वाले लोग

तो देखिए उसका रीजन क्या है यहां पर अगर आप इस वाले यूनिट सेल की बात करते हो देखो मेरे को चेक करना है ए और आर का रिलेशन आप कहोगे मैम ये ये ए और आर का क्या ही सीन होता है कहां से आ गया देखो मेरे पास ये जो स्क्वायर है है मैं मान लेती हूं कि इसकी साइड ए यार इस वाले स्क्वायर की बात कर रही हूं मैं ये देखो ये वाला जो चार एटम से मेरा स्क्वायर बन रहा है ये हमारा क्या है ये हमारा यहां पर दिस इज मेरा किधर है ये लो, इनके सेंटर्स को मैं मिला रही हूं इस तरीके से और मैं बोल रही हूं कि यार ये मेरा क्या है इधर यू, यूनिट सेल और इसको देखते हैं इससे मेरे को क्या क्या, क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है तो इससे सबसे पहले अगर हम ए और आर का रिलेशन फाइंड आउट कर, कर देखते हैं तो देखो इधर क्या मिलेगा मैंने देखा भाई मैं ऐसे कह रही हूं कि यहां पर ना ये जो आपका यूनिट सेल है इसकी जो साइड है क्या इसकी जो साइड है वो कितनी है ए है जैसे एक स्क्वायर बन रहा है ना तो स्क्वायर की साइड की सारी साइड सेम ही होती है ये भी ए होगी ये भी ए होगी और ये भी होगी बोलो इतनी बात समझ आ रही है मतलब कोई ऐसा तो नहीं जिसके ऊपर से चला गया ऐसा बाउंसर टाइप समझ आ रहा है आपको क्या बोला मैंने कि ये एक स्क्वायर है और मैं चेक करना चाह रही हूं कि इस यूनिट सेल से मेरे को कितना इंफॉर्मेशन मिलता है स्क्वेयर की एक साइड को मैंने स्मॉल ए कंसिडर किया है अब हम सब जानते हैं कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वली होती हैं है ना स्क्वायर में सब इक्वल होता है तो यार मैं कह रही हूं कि ये साइड ए है

अब इससे हमें एक ये इंफॉर्मेशन तो मिलता है बट मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पर आप मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए क्या बताना है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर इस अरेंजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा तो वापस से जब आप इसी यूनिट सेल के पास जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप बता पाओगे बताओ यहां से क्या आप मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो क्या नहीं बता सकते हो क्यों क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर आप यहां से क्यों नहीं बता पाएंगे क्योंकि यार ये तो कॉर्नर वाला है और हमें पता है कॉर्नर पर एटम्स का इन्वॉल्वमेंट कभी पूरा ही नहीं होता है है ना अभी आपने आपने वन डी अरेंजमेंट में यही समझा कि कॉर्नर वाले एटम्स को आप लेकर कभी कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड ही नहीं करते हैं क्योंकि वहां एटम्स का इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट ही नहीं होता है ठीक तो हम हमेशा बीच वाला आपका एटम्स को कंसिडर करते हैं यही प्रॉब्लम है इन तीनों यूनिट सेल के साथ इसीलिए इन तीनों को नहीं लिया गया है क्योंकि चलो इससे फिर भी एक बार को एक इंफॉर्मेशन आपको मिलता है A और आर का रिलेशन आपको मिलता है लेकिन आपको यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता ही नहीं चल रहा है लेकिन अगर आप ये वाला यूनिट सेल कंसीडर करते हो वाला यूनिट सेल अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें देखो मैं आपका ये बीच वाला एटम सेलेक्ट करूंगी ये जो मेरा यहां बीच में आ रहा है इन तीनों के एटम्स ठीक है तो यहां पर मेरे को बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा कि ये डायरेक्टली कितने एटम्स को टच कर रहा है तो मेरे को दिख रहा है कि यार डायरेक्टली आपका चार एटम्स को टच कर पाता है तो इसका मतलब इस अरेंजमेंट के लिए मेरा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू बोलो इतनी बात क्लियर है 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 क्या कि कि आपके पास ओए होए नहीं होगा ना आपने बिल्कुल ठीक लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू फोर क्योंकि भाई ये चार आइटम को टच करता हुआ दिख तो रहा है बेचारा है ना परफेक्ट बोलो जी इतनी बात में किसी को डाउट कोई भी दिक्कत यहां तक आई आई अज्यूम कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है परफेक्ट अभी इसमें आइए ये जो आपका ए बी अरेंजमेंट है आया है जिससे हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो हेक्सागन की शेप में निकल कर आया ठीक है यहां पर भी ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट सेल नहीं आ सकता है और भी यूनिट सेल्स हैं लेकिन हम उसको चूज करने वाले हैं वो वाला यूनिट सेल सेलेक्ट होगा जो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देता है और वो यूनिट सेल इधर वाले अरेंजमेंट में कौन है ये वाला स्क्वायर जो इस, इसके बीच में आ रहा है वेयर ये वाले अरेंजमेंट की आप बात करते हो तो बिल्कुल इसी तरीके से इस अरेंजमेंट में भी और भी निकल कर आ जाएंगे यार यूनिट सेल लेकिन हम लॉक किसको करेंगे या फिर हमने फाइनल किसको किया है जहां से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है तो यहां से भी अगर आप ये वाला अरेंजमेंट देखते हो तो देखो यार इसमें भी क्या है ना ये जो आपका सेंट्रल आइटम है है ना ये जो बीच में आ रखा है इसके हेल्प से देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं अब ये डायरेक्टली किस किस को टच कर रहा है इसको 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 है ना आई एम नॉट सेइंग डिस्को इसको बोल रही हूँ इसको ठीक है तो ये कितने को डायरेक्टली टच कर रहा है सिक्स तो यहां पर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा सिक्स और इसीलिए क्योंकि यहां पर आपका यूनिट हुआ है उसकी शेप मैम yes, मतलब कि ऐसे इतना जोश होना चाहिए यार तुम्हारे अंदर कि कोई आए हमारी क्लास में तो ऐसा लगे कि ओहो oh, oh, ऐसे पढ़ते हैं यार बच्चे ऐसे पढ़ना चाहिए मतलब तुम्हारे साथ तुम्हारे एक फ्रेंड आए लगे यार ऐसा यानी कि ये जोश मेरे अंदर भी होना चाहिए है ना ओके परफेक्ट है तो यहां पर अब आपके दिमाग में एक चीज पूरी क्लियर हुई होगी कि यार यूनिट सेल तो ठीक है यूनिट सेल आपका कौन होता है जिसको बार बार रिपीट किया जाए हर एक डायरेक्शन में तो एंटायर लैटिस बनकर आपका रेडी हो जाए लेकिन सेलेक्ट कौन होता है सेलेक्ट वो नहीं होता है देखो यूनिट सेल जरूरी नहीं है कि स्मॉलेस्ट हो

तो अभी ये बात सबको क्लियर हुआ है कि यार यूनिट सेल वो नहीं होता जो सबसे छोटा होता है यूनिट और पूरी पूरी मिल रही है तब आप सबसे छोटे वाले के साथ जाएंगे ठीक है तो जो पहली डेफिनेशन होती है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो यूनिट सेल है वो आपको सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इज़ योर कोऑर्डिनेशन नंबर टॉपिक जो तो कि तो uh, इसी के अंदर है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशियंसी देखो यार पहले फॉर्मुला वगैरह तक चलें पहले आप समझिए पैकिंग एफिशियंसी का मतलब क्या होता है आप कहीं घूमने जाते हैं और पैकिंग करते हो तो बैग पैक करते हैं ना तो यार बैग में कुछ ना कुछ जगह होती है है ना कुछ ना कुछ नहीं काफी जगह होती है जब तक आपने कुछ नहीं रखा है फिर आप धीरे धीरे अपना सामान उसमें रखते हैं और आपकी स्पेस ऑक्यूपाई होने लगती है तो अगर आपको बताना है कि मेरी पैकिंग की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है तो आप कैसे चेक करोगे आप देखोगे कितनी स्पेस अवेलेबल थी और उस अवेलेबल स्पेस में से आपने कितनी ऑक्यूपाई कर ली है मतलब जितनी आपने मैक्सिमम स्पेस जितनी आपने ऑक्युपाई कर ली होगी वही बेस्ट पैकिंग मतलब वहां पर एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी यानी कि अगर किसी

कितना पार्ट कितनी वॉल्यूम है ना वो जो क्यूब है उसके अंदर खाली जगह बचा हुआ है स्पेस है वॉल्यूम है तो उस स्पेस का कितना स्पेस आपके एटम्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो आपकी क्या कहलाती है पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है जिसमें आपकी जितनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो सॉलिड उतना हार्ड उतना ज्यादा क्रिस्टलाइन नेचर होगा सही बात है इतनी बात में तो किसी को डाउट नहीं होगा अब इसकी मैथमेटिकल अप्रोच पर आते हैं देखो यार वैसे बहुत ही सिंपल है मैं ये जो फॉर्मूला लिखा है ना ये भी एक्चुअली आपको याद नहीं करना पड़ेगा अगर आपने ये बात जो मैंने अभी कही है ध्यान से सुनी है देन दिस इज वेरी इजी क्या लिखा है कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है

किसी की ऐसा भी आती है क्या मेरी आई है टू हंड्रेड फिफ्टी टू परसेंट ऐसा होता है नहीं आप भले एग्जाम थ्री हंड्रेड मार्क्स का दे दो फाइव हंड्रेड मार्क्स का दे दो तुम ऐसा ही तो करते हो इतने सारे सब्जेक्ट के पेपर देकर आते हो तो पांच सब्जेक्ट के फाइव हंड्रेड मार्क्स हो गया लेकिन परसेंटेज थोड़ी ना फाइव हंड्रेड में से आती है परसेंटेज तो हमेशा हंड्रेड में से ही आती है ठीक है तो पैकिंग एफिशिएंसी या तो हम परसेंटेज में रिपोर्ट करते हैं जो हंड्रेड के रिस्पेक्ट में होती है या फिर आप फ्रैक्शनल रिपोर्ट करते हो और फ्रैक्शन मैक्सिमम वन हो सकता है जैसे परसेंटेज हमेशा मैक्सिमम हो सकती है ऐसे ही फ्रैक्शन मैक्सिमम वन ही हो सकता है ठीक है तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि या तो परसेंटेज में या फ्रैक्शन में अब भी जिसको हम बताएंगे आपको वो परसेंटेज होगा और उसके साथ साथ मैं आपको फ्रैक्शन भी बता दूंगी कि कैसे देखना होता है अभी देखो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हैं कि यार हमारे पास टोटल स्पेस अवेलेबल कितना है मेरे पास टोटल स्पेस है कितना राइट right. और ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में कि टोटल स्पेस एटम्स ने कितना ऑक्युपाई किया अब इसको इमेजिन करो मेरे पास एक क्यूब है क्यूब में स्पेस है कितना और फिर एटम्स जब उसके अंदर आए हैं मतलब एटम्स जब आपने उसके अंदर रखना शुरू किए हैं तो फिर

कह दो कि ये बात मैम एकदम बढ़िया से रहे है, है ना अभी यहां पर यही जो आपका सेम फॉर्मूला लिखा है यार मैं उसको ऐसे भी लिख सकती हूं देखो कैसे कि यहां पर आपके पास टोटल स्पेस अवेलेबल इसको तो एज इट इज लिखिए यहां ये जो आपका टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स है यार मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि टोटल स्पेस कितनी ऑक्युपाई की हुई एटम ने ये कैसे चेक करेंगे हम मतलब सोचो आप इमेजिन करो आपके पास एक क्यूब है अब उसमें तुम्हें तुमने रख दिए और एटम सारे सेम साइज के हैं सेम टाइप के हैं अब तुम्हें क्या देखना है कि यार ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है तो उसके लिए मैं कैसे उसको मेजर करूंगी मेरे लिए ज्यादा आसान क्या रहने वाला है कि मैं ये चेक कर लू कि मेरे एक एटम ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है है ना मैं चेक कर लेती हूँ कि यार एक एटम ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया और है और मेरे पास एटम्स कितने हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि यार देखो मेरे पास इतने हैं मल्टीप्लाइड बाय एक कितनी स्पेस करता है मतलब कि अगर मेरे को यह पता चल जाए कि यार एक आइटम इतनी स्पेस लेता है तो मेरे पास जितने आइटम उस क्यूब के अंदर है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड निकल कर आ जाएगा यहां हम ऐसे ही करते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन एटम यानी कि आपका एक एटम कितनी स्पेस ऑक्यूपाइ करता है मल्टीप्लाइड बाय दी नंबर ऑफ एटम्स और यार 100 तो तुम सबको पता ही है बोलो इतनी बात क्लियर है क्या जल्दी से बता देंगे फिर वी विल मूव अहेड बोलो जी कह दो यस मैम कह दो कह दो कह दो मतलब ऐसा लगता है मेरे को कभी-कभी कुछ-कुछ बच्चे तो बड़े मजेदार हैं और जो है थैंक यू रक्षित और Uh, क्या बोलते हैं हर्षदा है ना कुछ 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 नहीं आज ज्यादातर ज्यादा लोग बड़े मजेदार हो और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे देखकर कि यार बच्चे इतना डेडिकेशन से इतना मन से पढ़ते हैं मैं यहाँ क्लास लेती हूँ फिर उसके बाद स्पेशल क्लास और सिर्फ मेरी नहीं आई टोटली अंडरस्टैंड आप बहुत सारी क्लासेस अटेंड करते होंगे तो शाप बाश कभी कभी ना अपने आप को भी अप्रिशिएट करना चाहिए वेरी गुड हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि कुछ बच्चे तो बड़े मज़ेदार हैं और कुछ बच्चे मेरे को ऐसा लगता है जैसे वो मुँह में ना ऐसा दही जमा के बैठते हैं कि कुछ नहीं बोलेंगे हम है ना ठीक है ठीक है अच्छा लेक्चर फोर का पीडीएफ नहीं मिला हो ऐसा है क्या यार मैंने कर दिया था अपने अकॉर्डिंग बाकी तुम्हें मिला नहीं तो आई विल शेयर इट टूडे तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई हमें है ना इसी के साथ आप सबने सेशन को लाइक किया है है ना मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आई कम फॉर अ न्यू सेशन मैं हमेशा आपका लास्ट लेक्चर एक बार चेक कर कर आती हूँ क्योंकि ऐसे डेली डेली तो हम नहीं चेक कर सकते हैं बट मैं आपका जब भी एक फ्रेश लेक्चर लेती हूँ तो मैं प्रीवियस लेक्चर हमेशा चेक कर कर आती हूँ कि आपने कमेंट सेक्शन में क्या लिखा है और कैसा आपने रिस्पॉन्स दिया है सो दैट अगर कॉमेंट सेक्शन में कुछ है तो मैं उसको भी आपका एज फीडबैक लेकर उसमें भी हम देख सकें और साथ ही साथ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो इसीलिए सेशन को लाइक बिना नहीं भागना अगर आपकी वाकई हेल्प हो रही है और साथ ही साथ बताया करें इन कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो कि आप और क्या चाहते हैं जैसा भी आपको लगता है तो ऐसे ना फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे भी एकदम अलग एनर्जी होती है और मजा ही आ जाता है है ना चलो तो हो गया ये वाली बात तो जी हो गई हमारी उसके बाद अभी देखिए हम पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट आपका 2D वाला है ना तो यार 2D में 2D में कौन होता है सर्कल होता है एटम बेचारा 2D में क्या होगा सर्कल होगा इजंट इट मैं आपको कह रही हूं कि ये जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने इसमें ये स्पेस का क्या सीन है स्पेस क्या किसको बोलते हैं मैम ये पूछा जा रहा है आपसे ठीक है स्पेस वाली बात पे आ रहे हैं हम ठीक तो सब ठीक है कि नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन एटम डिवाइडेड बाय द टोटल स्पेस अवेलेबल द पॉइंट हियर इज कि ये स्पेस से हमारा क्या मतलब है अभी देखो स्पेस दो अलग अलग बात बन जाती है अगर आप 2D में बात कर रहे हो या फिर आप 3D में बात कर रहे हो अगर आप 2D के अंदर बात करते हो तो यार फिर आपको एटम को क्या कंसिडर करना पड़ेगा सर्कल ये मैंने पहले भी बताया था 2D में तो हमारे पास दो ही एक्सिस होती है ना देखो यार 2D में तो आपके पास दो ही एक्सिस होती है एक x एक्सिस और एक y एक्सिस तो 2D के अंदर तो आपका एटम को आपको सर्कल मानना पड़ेगा और फिर अगर वहां पर आप 2D के अंदर स्पेस की बात करते हो तो 2D के अंदर स्पेस एरिया आएगा है ना एरिया ही तो ऐसा होता है कि लेंथ इनटू ब्रथ या फिर सर्कल का क्या होता है पाई r2 तो एरिया हमेशा टू डी में होता है उसमें केवल दो एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं लेकिन जब आप थ्री डी में जाओगे आगे जब आप 3D के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर मेरा वही वही स्फेयर बन चुका होगा वही वाला आटम, जो अभी सर्कल लेकर हम चल रहे थे वो क्या बन चुका है स्फेयर यानी फुटबॉल जैसा होता है वैसा बन चुका है ठीक है अभी यार उधर स्पेस क्या होगा वहां पर मेरा स्पेस वॉल्यूम बन जाएगा तो स्पेस का स्पेस का अलग अलग मीनिंग हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन वेदर हम आपका टू डी की बात कर रहे हैं या हम थ्री डी की बात कर रहे हैं टू डी के अंदर आप स्पेस को ही एरिया बोल देते हैं और थ्री डी के अंदर स्पेस को आप वॉल्यूम बोल देते हैं बोलो इतनी बात क्लियर है आप लोगों को ठीक है और यहां पर मैंने साथ साथ आपको लिख कर दिया है कि आपका एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हालांकि बहुत पहले से हम लोग इसको पढ़कर आते हैं पाई पाएर और ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ स्वेयर भी अगर किसी को ध्यान नहीं था तो इसके बाद आपको भूलना नहीं है इट इज फोर बाय थ्री पाई आर क्यू ठीक है यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है अब आप लोग रेडी हो किसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए देखो यार अभी हमने जो किया है उसको अगर हम समराइज करें तो हम आपका वन डी अरेंजमेंट से चले वन डी के हेल्प से वन डी में सिर्फ एक्स एक्सिस था एक्स में मैं वाई एक्सिस और लेकर आई तो मेरे पास ये टू डी आ जाता है और 2D में हमारे पास दो टाइप निकल कर आया एक तो आपका एस और एक आपका एफ बिल्कुल यहाँ पर आई थिंक ये जो लिखा है ये फ्लो चार्ट आप पूरी बात को आसानी से समराइज कर पाए हैं और आप वो कनेक्टिविटी बिठा पाए ठीक है तो पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से अभी तक आई विल ट्राई कि आप एक एक चीज को कनेक्ट चलते हुए करते हुए चले ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्ट में पढ़ाई हो रही है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और जो आपका हेक्सागोनल पैकिंग है उनकी पैकिंग एफिशिएंसीज की ठीक है अब हम यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो देखो जब आप एस की बात करते हो किसकी एस यार कौन सा कलर दिखेगा इधर बताना ठीक है जब आप लोग एस की बात करते हो वो भी कौन सा वाला टू मेरे को बताओ यार इसकी मेरे को करनी है पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट पैकिंग किसके इक्वल होता है कि यार आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने मल्टीप्लाइड बाय आपका कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है और स्पेस की जगह में क्या लिख दूंगी एरिया क्योंकि टू डी की बात हो रही है एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन आटम है ना एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन आटम ओके जी उसके बाद क्या किससे आप लोगों ने डिवाइड करना है द टोटल टोटल एरिया अवेलेबल उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है

इस तरीके से एक यहां पर अब इसमेंड तो से मल्टीप्लाई और कर दो क्योंकि आप परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हो बताओ यार इधर नंबर ऑफ आइटम्स कितने लिखो कह दो मैम ये तो नहीं आता हमें ये तो आप ही बता दो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे है ना तो देखो यहां पर सबसे पहले

तो जब हम कल थ्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आज भी थोड़ा सा मैं स्टार्ट करा दूंगी तब हम वैल्यू uh, कैलकुलेट नहीं करेंगे पर इसका तो जेड वैल्यू हमें पता ही नहीं तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक्चुअली आपके पास ये जो लिखा है ना नंबर ऑफ आइटम्स ये और कुछ नहीं भाई आपका जेड वैल्यू ही है ठीक है तो बेसिक के लिए मुझे क्या करना है जेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है एस के लिए जब आपका टू डी अरेजमेंट है तो यहां पर देखो यार अगर मैं इसके लिए एस

जो आपका है या ऐसे कह दो तो कि एक एटम में स्क्वायर का कितना एंगल आ रहा है Very good, देखो सबको पता है 90 डिग्री, है ना और पूरा एंगल आपका जो होता है एक एटम का वो कितना होता है देखो यार इसका ये जो आपका एटम इसका नाइनटी डिग्री आ रहा है 90 डिग्री आपका या यहां लिख देती हूं कि आपका 90 डिग्री आपका आ, एंगल आ रहा है

आपका जो एक एटम है एक एटम के अंदर स्क्वायर का 90 डिग्री आ रहा है तो एक एटम के अंदर कितना आ है स्क्वायर का 90 डिग्री ऐसे कितने आटम है चार है तो चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि हम जानते हैं पूरा एंगल कितने का होगा 360 डिग्री होगा तो 90 बाय 360 सिक्सटी इंटू फोर एंड यू वन तो यहां से आपके पास जेड वैल्यू ऑफ एसपी वन आ जाएगी एंड आई कैन से ये, कोई, find out नहीं है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई नहीं निकलवा कर दिखाता है और मुझे इंटरेस्टिंग होगा डायरेक्ट आपको ये की कि बस याद रखो यार वैल्यू वन होती है मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए आपको भी मजा आएगा ठीक है बाकी एग्जाम में कोई डिराइव कर, कर नहीं दिखवाने वाला है आपसे बस तो पता होना चाहिए और लिखाना ठीक है और इस तरीके से आपको इसको मेमोराइज नहीं मारना पड़ेगा और हमारी क्लास का एक ही मैं हमेशा एक ही लाइन बोलती कि मेरी क्लास में आओगे तो तो कर कर तो 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 मजेदार है आपकी क्योंकि यहाँ ये यह जेड वैल्यू आपको पता है विच इज वन उसके बाद एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन आटम कितना होता है एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन आटम एक आइटम तो सर्कल है ना टू डी के अंदर

ये देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये है मेरा टोटल एरिया स्क्वायर के अंदर जितना आ रहा है स्क्वायर ही तो तुम्हारा यूनिट सेल है ना ठीक है स्क्वायर आपका यूनिट सेल है तो यूनिट सेल के अंदर जितना एरिया आता है उतनी स्पेस आपके पास है तो यानी एरिया ऑफ स्क्वायर आपका टोटल स्पेस अवेलेबल है यहां पर द टोटल स्पेस टू डी के अंदर एरिया टोटल एरिया अवेलेबल कितना है द एरिया ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया कितना होता है उसकी साइड का स्क्वायर और आपको पता है यहां यहां एक साइड साइड को को हम क्या करते हैं अगर ये को मैंने ए लिया है तो यार यहां पर A का स्क्वायर मेरा क्या बन जाएगा एरिया ऑफ दी स्क्वायर बन जाएगा इज इंट इट ए स्क्वायर लिख दिया पर बात तो बनी ही नहीं अब बताओ ऐसे में एरिया फाइंड आउट मतलब ऐसे में पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करूं मेरे को क्या पता यार आर कितना है मेरे को ए भी नहीं पता ये ठीक है मैंने अपनी तरफ से डिफाइन कर दिया कि ए मेरी एज है ठीक है ए को एज बोलते हैं ध्यान रखना साइड को हमेशा क्या बोलते हैं एज बोलते हैं तो यहां पर ए जो आपका होता है एज लेंथ बोल सकते हो और जो आपका आर होता है चाहे आप कैपिटल में लिखें लिखे, या स्मॉल में लिखें ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है द रेडियस ऑफ एटम क्या रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ एटम अब इधर आ जाओ इस पर मेरे को यहां गड़बड़ हो रही है किसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करें इसके लिए मेरे को चाहिए ए और आर का रिलेशन डू आई नीड आई नीड अ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर तो यहां पर हम क्या करते हैं हम यहां पर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं किसके बीच में रिलेशन बिटवीन ए एंड आर यानी कि मेरा जो एज लेंथ है और मेरा जो रेडियस है उनके बीच में रिलेशन क्या है वो हम यहां से फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कैसे करेंगे ये देखो आपके पास ये एक अरेंजमेंट है, है ना भाई ये एक अरेंजमेंट है तो देखो इसके अंदर यहां पर ये वाली साइड कितनी है ए है आपने ही तो कहा कि स्क्वायर का एक साइड को ए मानिए उसके बाद यार यहां पर ये जो आपका इधर से इतना लेंथ कितना है कैपिटल आर है इधर से इधर इतना लेंथ कितना है कैपिटल आर है तो यार ए इज इक्वल टू टू आर ही तो हो गया ये तो हमने पहले भी देखा ए इज हमेशा ध्यान रखेंगे ए और आर का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जामिनर हमेशा पूछता है कि बताओ ये एस के केस में ए और आर का क्या रिलेशन होगा बी के केस में क्या होगा हमेशा ध्यान रखना है ए और आर का रिलेशन आप कहां से चेक करते हो वहां पर जहां एटम्स एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे हैं क्योंकि यार एटम्स डायरेक्टली टच कर रहे होंगे तभी तो मैं ए और आर का रिलेशन बता पाऊंगी तो यहां पर अलोंग दी एज ये जो आपकी एज है एटम्स एक दूसरे को डायरेक्टली टच करते हैं तो डायरेक्टली टच करते हैं तो आपने ए और आर का रिलेशन बता दिया विच इज एज इक्वल टू टू आर ठीक है तो यहां एक पॉइंट लिख लेना नोट डालकर क्या लिखना है आपने नोट आगे के लिए हिंट है ये बेसिकली यहां पर तो आप सीख गए कि ए और आर का जो रिलेशन होता है वो हम कहां से फाइंड आउट करते हैं वेयर एटम्स डायरेक्टली टच नहीं जाते कहां से फाइंड आउट करते हैं जहां आपके एटम्स एक दूसरे को डायरेक्टली टच करते हैं बोलो जी इतनी बात क्लियर है क्या कह दो यस yes, मैम कह दो तो हो गया बस वी आर डन सी यहां पर आप ए की जगह ये रिलेशन पुट करिए मेरे पास मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना ऐसा लिखना चाहिए कि देखो यार इधर वन को तो वन रहने दो उसके बाद मल्टीप्लाइड तो आपके पास टू आर का मैं पूरे का स्क्वायर करूंगी तो यार इसको मैं फोर आर स्क लिख दू डायरेक्ट कैसा लगेगा लिख दो यार आप लगेगा होता है ना तो लिख दिया तो आर स्कवायर से आर स्क्वायर उड़ा दो उड़ा दिया है ना? आर्ष्वार से आर्ष्वार गया अब तो यार, अब तो तो यार आठ हो गया नाउ दिस इज डन दिस इज वॉट यू वॉन्टेड हो गया ठीक है तो आपके पास यहाँ पर क्या निकल कर आता है जो आपकी पैकिंग निकल कर आती है क्योंकि पाए तो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है ना 3.14 कह दीजिए या 22 टू बाई सेवन कह दीजिए तो यहां से जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी निकल कर आएगी दैट इज गोइंग टू बी पता है कितनी होती है इट इज सेवेंटी एट पॉइंट फाइव कितनी होती है? आती है आप ध्यान भी रख सकते हो राइट right? बोलो अरे वाह सेवेंटी फाइव परसेंट इज इट सेवेंटी फाइव सेवेंटी एट पॉइंट फाइव होती है भाई सेवेंटी एट पॉइंट फाइव कह दो मैम समझ आ गया मजा ही आ गया सब चमक चुका है कह दो यार अब भी लिखेंगे अब भी चैट सेक्शन में अब भी लिखोगे आप लोग कि सेवेंटी एट पॉइंट फाइव कोई नहीं भूलने वाला है इसके बाद क्यूब में क्यों नहीं रखते पटाई हो तो जाएगी तुम्हारी क्यूब जो है अरे भाई क्यूब में थ्री में रखेंगे ना ये टू डी चल रहा है टू में क्यूब आता है क्यूब में दो ही पर टू डी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर हो सकता है टू में है ना समझ गए अभी दोबारा नहीं बोलोगे सेवेंटी एट पॉइंट फाइव वेरी गुड वेरी गुड शाबाश तो अभी इसी के साथ पूरा जोरदार तरीके से, से सेशन लाइट भी हो जाना चाहिए है ना चलो यार आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं इधर एस सी सी एस के बारे में ये जो हमारा अरेंजमेंट है देखो साथ साथ इधर समराइज कर लिखना कि ये जो आपका एस सी पी आया है बेसिकली ये क्या होता है अरेंजमेंट होता है टू के अंदर उसके बाद आपसे पूछा जाए पैकिंग एफिशिएंसी यहां पर मेरे को बताओ ए और आर का रिलेशन क्या होता है ए और ए इज इक्वल टू टू आर होता है उसके बाद आपसे पूछे बताओ यार पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है आप कहोगे मैम 78.5 परसेंट होती है उसके बाद पूछे जेड वैल्यू बताओ तो आप कहोगे मैम वन होती है उसके बाद अगर आपसे पूछे यहाँ पर टाइप वॉइड कौन सा होता है बताना एक बारी टाइप ऑफ वॉइड कौन सा होता है कौन है मेरे को सबसे पहले बता रहे टाइप ऑफ वॉइड ये कौन सा अरेंजमेंट है यार ये ये वाला अरेंजमेंट है भूलो नहीं ये वाला अरेंजमेंट है ये आटम के साइड में आटम, आटम 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 और आटम के नीचे आटम आटम के जस्ट नीचे आटम ये वाला अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं है ना तो बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर number... ना 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 कोऑर्डिनेशन नंबर तो तुम्हें पता है

जितना आप लोग गड़बड़ कर रहे हो स्क्वायर प्लेनर वाइड है उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो यार ये हमने आज ही सीखा है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका फोर है बताओ यार एस सी पी टू डी का पूरा पिक्चर क्लियर है ये देखो एक स्लाइड में जितना पढ़ाया है जितनी बात हमने की है वो सब कुछ मैंने यहां पर लिख दिया है 2D में इसको ए ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं इज इक्वल टू होता है पैकिंग अभी कैलकुलेट किया उसी के साथ साथ जेड वैल्यू आपने एंगल अप्रोच से फाइंड आउट किया वो नाइनटी बाई थ्री सिक्सटी वाला उसके बाद टाइप ऑफ वर्ड स्क्वायर प्लेनर निकल कर आया है और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर निकल कर आया है और हम इस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं बोलो सारी पिक्चर क्लियर है मजा आ गया वही तुमसे कहे यार मेरे को बता दे तो बता डालोगे उसको कि नहीं है ना वेरी गुड अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है दी हेक्सागनल अरेंजमेंट कौन सा वाला यार हेक्सागन वाला देखो हेक्सागन में क्या सीन होता है अगर यार वो जो तुम्हारा अरेंजमेंट था ना कैसा अरेंजमेंट था ये वाला एटम के साइड में एटम 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 और दो एटम्स के डिप्रेशन में एटम था ऐसा ही था अब यहां पर आप लोगों ने ला यार पूरा ही कर दूं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है ना तो बना दिया अब देखो यहां से हमने एक हेक्सागन निकाला था हेक्सागन निकाला था तो ये देखो ये था वो हेक्सागन ये जितने है ना ये वाला आइटम का सेंटर ये आटम का सेंटर इस आटम का सेंटर इस आटम का सेंटर इसका सेंटर इसका सेंटर मिला दो भाई ये अब यहां पर अगर आप ये वाला हेक्सागन देख रहे हैं तो मैं बोल रही हूं आपको कि यार ये जो हेक्सागन है ना इसके अंदर आपकी जो ये वाली साइड है वो कितनी है ए है राइट right? अब आगे बढ़ते हैं अब आपको क्या करना है पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है तो आप क्या कहोगे कि Z वैल्यू कितनी है SCP -D का ओके okay. पहले तो आप यह बता दो कि Z वैल्यू कितनी है उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना टोटल या फिर एरिया ऑक्यूपाइड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन आटम से और उसको percentage निकालना है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय द टोटल area available total area available अब मेरे को बताओ यार पार्किंग एफिशिएंसी कितना लिखो बताओ z वैल्यू कितना आएगा इधर हां oh, मैम ऐसे मत पूछो आप z वैल्यू कितना आएगा पहले बता दो है ना फिर देखना हम स्पेशल क्लास में बताएंगे एकदम लाइन लगा देंगे आंसर की पहले मैम बस आप थोड़ा सा बता दो हमें थोड़ा सा बता दो है ना तो देखो यहाँ पर मेरे को बताओ यार ये वाला एंगल कितना है? वापस वापस से 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 हम किसके पास चल रहे हैं? Z वैल्यू निकालना मैं मैं चाहती हूं, और मैं से इसको एंगल अप्रोच के के हेल्प कैलकुलेट करने वाली हूं. मेरे को ये ये बताओ कि हेक्सागन अंदर आपको जल्दी बता दो जल्दी हाँ वेरी गुड वैष्णवी ने एकदम राइट आंसर दिया नव्या

ये तो सबको ही पता है कि जो आपका टोटल एंगल होगा ये जो पूरा एंगल होगा ये तो यार 360 होगा ना तो डिवाइड बाय 360 ऐसे कितने आइटम्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे सिक्स आइटम है मल्टीप्लाई बाय सिक्स अभी भी एक कोई तो रहता है कौन ये देखो ये बीच वाला ये वाला आइटम ये तो छोड़ दिया हमने तो वन या फिर आप क्या बोल सकते हो कि इसका तो यार ये तो पूरा का पूरा यार है है ना ये तो पूरा 360 बाय 360 बनेगा ये तो स्क्वायर ये जो आपका हेक्सागन है इस हेक्सागन के अंदर इस एटम का तो पूरा ही 360 डिग्री एंगल आ रहा है कि नहीं तो 360 बाय 360 सिक्सटी विच इज हाउ मच थ्री सिक्सटी बाय थ्री और एटम आपके पास एक ही है तो भाई इधर आपके पास क्या बनेगा कह दो कुछ तो बन ही जाएगा जो आप बना दोगे बस बना दो हम जल्दी जल्दी है ना कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने कितना आएगा यार ये यार्लस वन है क्या चेक करना थ्री आ रहेगा तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी उसमें किसी को डाउट नहीं। वेरी गुड परफेक्ट है, है बहुत अच्छे। तो यार हो गया बस। लिखते हैं पहले इधर थ्री हो गया मल्टीप्लाइड पाया था एरिया ऑक्यूपाइड बाय आटम एरिया ऑक्युपाइड बाय वन आटम एटम कौन है टू डी है 2D में आटम सर्कल है सर्कल का एरिया स्क्वायर तो आप कितना लिखोगे थ्री इंटू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया अवेलेबल टोटल एरिया अवेलेबल अभी एरिया कौन सा अवेलेबल है हेक्सागन वाला जैसे पहले आपके पास स्क्वायर का एरिया था अब हमारे पास हेक्सागन का एरिया है लेकिन मैम एरिया ऑफ हेक्सागन तो मैं आता ही नहीं है ना एरिया ऑफ हेक्सागन कितने बच्चों को ध्यान है कि एरिया ऑफ हेक्सागन कितना आता है किसी को मतलब है कोई इतना इंटेलिजेंट टाइप है क्या कोई जिसको पता हो कि एरिया ऑफ एक्सगन कितना होता है यार मैम हमें तो देखो पता नहीं अब हम ऐसे स्टाइल तो मारेंगे नहीं पता ही नहीं हमें हम क्या आई डोंट नो मैम अब बता दो आप पता ही नहीं हमें तो देखो ऐसे एरिया ऑफ एग्जन ध्यान रखना थोड़ी सी मुश्किल बात है है ना किसको ध्यान रहता है एरिया ऑफ सर्कल बार बार यूज होता है आपका एरिया ऑफ क्यूब स्वेयर का वॉल्यूम ये सब तो फिर भी याद रह जाता है मम हेक्सागन कौन याद रखता है यार तो कोई बात नहीं आप बोल गए वेरी गुड रखना भी नहीं है ध्यान देखो कैसे करना है यहां पर अगर यार मैं एक ये हेक्सागन देखती हूं है ना इस हेक्सागन के अंदर इस हेक्सागन को मैं ऐसा इसका थोड़ा सा केक कटिंग करते हैं ना केक कट करते हो कि नहीं बिल्कुल ऐसे ही तो कट करते हो अब पूरे केक में ऐसे ऐसे थोड़ी खा जाते हो पूरा का पूरा केक उसको हम पीसेस में कट करते हैं और ऐसे ही आप वो वी शेप में कट करते हो हमेशा उसको है ना सेंटर से ऐसा वी शेप में काफी सारे पीसेस फिर कट कर देते हो अब पूरा केक में तो कोई ऐसे पूरा ऐसा छलांग लगा कर खाता नहीं है कि सब आओ और बस घुस जाओ कटिंग करते हो आप बिल्कुल वैसे ही आपको जैसे केक की कटिंग करते हैं ना बिल्कुल ऐसा ही कटिंग करना है क्या करना है देखो अगर मैं बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ तो मेरे पास यहाँ से ये छह पार्ट्स में कट हो जाएगा और यहाँ पर मेरा जो एक पार्ट है है ना एक पार्ट ये जो है ये क्या है ये एक ट्रायंगल है और ये कौन सा ट्रायंगल है यार ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपके पास ऐसे छह इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहे हैं समझ पा रहे हो आप एक हेक्सागन के अंदर सिक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल बैठे हुए हैं इक्विलेटरल कौन होता है जिसमें दो साइड आपकी इक्वल होती हैं, राइट तो यहां पर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहे हैं छह इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आप क्या लिख सकते हो कि यार एरिया ऑफ हेक्सागन को ना सिक्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कहा जा सकता है और जब आप इसकी बात करते हो तो भाई आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल इज रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर अब इतना तो आपको पता होना बनता है ठीक है रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर ए कौन है a यही है ये देखो ये वाला जो एक साइड है उसको ही आपने a कहा हुआ है तो यहां पर दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड एरिया ऑफ एक्सागन किसी को पता नहीं होता तो इसीलिए हमने उसको किसमें

शुरू हो जाते हैं ना वैसे करते तो मैम हम भी ऐसे ही हैं पर देखो हम बताना नहीं चाहते आपको ऐसे कौन इतनी कटिंग करेगा खाने ही तो है आप उसको अंदर जाके बड़ा पता चल रहा है कि मेरी कटिंग भी हुई थी इतनी फर्स्ट क्लास तरीके से हम तो उठाते हैं खा लेते हैं इतनी कौन मैम इतना चक्कर कौन करेगा है ना ठीक है तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया भाई ठीक है ए आर का रिलेशन और फाइंड आउट कर लो यार एक चीज बची हुई है इधर अभी सब परफेक्ट है पर ए और आर सीन फस गया इधर तुम्हारा तो इस सीन को जरा सॉर्ट आउट करते हैं और ए और आर का रिलेशन देख लेते हैं यार ए और आर का रिलेशन पता है सेम टू सेम ही है भाई इधर भी ये देखो ये वाला आपका इतना रेडियस कैपिटल आर कहलाएगा ये वाला इतना रेडियस अगेन कैपिटल आर कहलाएगा तो भाई ये पूरा ए था तो ए 2r बन गया कि नहीं बन गया हां जी बन चुका है तो यहां पर आप ए की जगह वापस से ये जो आपने ए लिखा है चलो तुम्हारा तो दिल खुश हो जाए इसके लिए मैं दोबारा ही लिख देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं है, मैम आपने एक स्टेप तो मिस ही कर दिया था सिक्स इंटू रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर लिखना है तो भाई लिख दो इधर टू आर का स्क्वायर अब देखो आर स्क्वायर से ऊपर नीचे वाला आर स्क्वायर कैंसिल और यहां से आपके पास यहां से आपके पास क्या जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल कर आती है वो कितनी निकल कर आती है जानते हैं आप 90.6 परसेंट इसको कैलकुलेट करेंगे तो 90.6 परसेंट निकल कर आएगा तो लिखो चार्ट सेक्शन में 90.6 किसका है एच सी का है एस सी के अंदर 78.5 परसेंट आता है और एच सी के अंदर कितना आता है 90.6 आता है, बोलो जी। है, क्लियर वेरी गुड। तो यहां पर ये जो आपकी जैसे हमने इधर एस सी पी टू डी के बारे में लिखा है बिल्कुल ऐसे ही एस सी के बारे में भी सब कुछ लिखेंगे तो इसको हमने क्या कहा है ए बी ए बी टाइप अरेंजमेंट कहा है किसके अंदर टू डी के अंदर फिर इसके बाद ए और आर का रिलेशन तो मैम इधर भी सेम टू तो सेम आता है उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी यार इधर तो बड़ी ज्यादा आ गई देखो 90.6 परसेंट आई है उसके बाद जेड वैल्यू इधर कितनी आती है थ्री आती है अब ये तुम बताओ ये यार तुम बताओगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइप ऑफ वर्ड ये कौन सा अरेंजमेंट है ये ये वाला अरेंजमेंट है एटम के बाजू में एटम एटम के एडजस्टेंट एटम और दो एटम के डिप्रेशन में आपकी नेक्स्ट लेयर बनती है दिस इज द

ऐसे ऐसे याद ट्रायंगल ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं यहां पर आप वो बीच वाला आइटम चेक करते हो और कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स आता है क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाया था सही है इतना किसी को डाउट कुछ भी रटने जैसा लगा है क्या

तो उतनी अच्छी पैकिंग नहीं हो रही जहां अगर आप दो एटम के बीच का जो खाली स्पेस है जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं अगर आप दूसरी लेयर का एटम दो एटम्स के डिप्रेशन में रख रहे हो तो ज्यादा अच्छी पैकिंग होती है इसका मतलब शादी वादी में जाओ और तुम ऐसा लड्डू का बॉक्स अरेंज करना हो है ना लड्डू ही ज्यादातर खाते हैं हम शादियों में तो किसी के घर शादी हो रहा है और तुम उसमें जाओ या तुम्हारी खुद की हो और बाई चांस तुम्हें लड्डू जो है खुद ही पैक करने पड़ जाए तो याद रखना कि जब आप अरेंज करोगे तो जब आप सेकेंड लड्डू के ऊपर लड्डू रखने वाले होंगे तो दो के बीच में रखना एक के ऊपर एक रखोगे तो उतनी अच्छी पैकिंग नहीं होगी ठीक है देखो तुम्हारी शादी की टिप दे दी मैंने तुम लोग को सही है सही है चलो बस कर लेते हैं हम हम करते हैं कल शादी करते हैं चलो जी इसके बारे में बात करते हैं अभी हमने जो है वन सीख लिया टू सीख लिया अब हम थ्री पर आने वाले हैं वन में क्या था वन डी में क्या था हाँ अरे देखो 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 शादी के नाम पे क्या लड्डू फूट रहे इनके मन में अभी अभी करवा लो कल करवा लो टिप भी दे दी यार मैंने तुम्हें ये तुम भूल जाओगे जब तक तो मतलब अगर ज्यादा टाइम बात करोगे कल ही करवा लो ठीक है चलो वट आई से हमने वन डी पढ़ लिया टू डी पढ़ लिया और अब हम थ्री डी पर आते हैं

नीचे आटम आटम के नीचे आटम दूसरे वाले अरेंजमेंट में दो आटम्स के डिप्रेशन में आटम लगता है दो आटम्स के डिप्रेशन में कर, कर लेना यार इसको पूरा उसके बाद अभी हमें जो शुरू करना है वो हमारा थ्री अरेंजमेंट है और थ्री में आपकी तीन एक्सेस यूज हो, यू हो रही होती है एक्स वाई और जेड देखो टू तक आपने एक्स यूज कर लिया वाई यूज कर लिया अब आपको जेड एक्सेस और लेकर आनी है मतलब समझ रहे हो

दो तरीके से आटम रखा जा सकता है हम क्या करते हैं मैंने आपको कहा था कि हम वन डी से टू डी टू डी बनाने के लिए मैंने वन डी का यूज किया है तो एक बार हम क्या करेंगे एक बार थ्री डी अरेंजमेंट पढ़ेंगे ये वाला यूज कर ठीक है ये कौन सा है एस सी पी है टू डी का तो आपके पास जब हम थ्री डी अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो देखो ध्यान से देखना है ये वाली स्लाइड थ्री डी अरेजमेंट को हम कैसे पढ़ेंगे मैं थ्री डी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी या मैं थ्री डी बनाऊंगी आपका जो ए टाइप अरेंजमेंट निकल कर आया है टू डी का जिसको आप क्या कहते हो एस सी पी कहते हो उसके हेल्प से हम थ्री डी बनाएंगे एक बार और फिर एक बार ए बी ए बी टाइप अरेंजमेंट जो आपके पास है टू डी का जिसको आप एस सी पी कहते हो उससे भी हम आपका थ्री डी बनाएंगे ठीक है तो ये दोनों ही अरेजमेंट को एक एक बार हम यूज कर थ्री डी बनाएंगे पहले इस वाले आपके अरेंजमेंट में हम जेड एक्सिस से आटम रखने की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे फिर हम आपका इस वाले अरेंजमेंट में भी एक्सिस से आटम रखने का पॉसिबिलिटी चेक करेंगे आप जिसको ऐसा लग रहा है यार ये इतनी सारी बात मैम बोल रही है मतलब मैम ऐसा ना मतलब फील नहीं आया हमें ठीक है आपने कह दिया थोड़ थोड़ा थोड़ा हमने सुन भी लिया ओके ठीक है पर थोड़ा बता दो इसको ये क्या चल रहा है इधर है ना तो ये देखो जैसे कि ये कौन सा वाला अरेंजमेंट है ये कौन सा है भाई ये आपका टू डी का एस सी पी है कि नहीं है टू डी का एस सी पी है जिसको आप क्या बोलते हो ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हो यार यारू डी का ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं इसको कि नहीं बोलते हैं है ना तो यार पहले मैं टू डी का ए ए टाइप अरेंजमेंट जिसको आप एस सी पी टू डी बोलते हो वो यूज करने वाली हूं और पहले एक बार एस सी पी को भूल जाते हैं फिर उसको भी लेकर आए पहले इसमें चेक करते हैं कि सामने से लाया हुआ किधर किधर रखा जा सकता है तो देखो सामने से मैं लेकर आऊंगी तो मेरा आटम सोचेगा यार मैं दूसरा आटम के ऊपर ही बैठ जाता हूं अब लड्डू इमेजिन कर लो तुम अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं कि एक के ऊपर एक रख दो बस तो एक तो वो ऐसे बैठ सकता है मतलब कि आटम के जस्ट ऊपर आटम तो जेड एक्सिस से आने वाला आटम या तो आप एटम के ऊपर आटम रख दो ऐसा भी पॉसिबल है या फिर वो क्या कर सकता है यहां पर ये जो आपके आटम्स के बीच में खाली जगह बच रही है सामने से आने वाला आटम ये जो स्क्वायर प्लेनर वॉइड है ये है ना स्क्वायर प्लेनर वॉइड खाली जगह जो बच रही है तो सामने से आने वाला आटम ये भी सोच सकता है कि यार ये जो वॉइड है ना जो खाली स्पेस बच रहा है मैं उधर बैठ जाता हूं तो आपका आने वाला आइटम ये खाली स्पेस में भी बैठ सकता है बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है हंड्रेड तो यहां पर मेरे पास ये दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके एटम एटम के ऊपर आ जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि आपके आटम्स इस तरीके से इस तरीके से क्या आटम के ये जो चार एटम के बीच में खाली जगह बच रही है वहां जाकर बैठ जाए ठीक है अब देखो यहां पर क्या होता है अब आएगा असली फील आपको सॉलिड स्टेट का क्योंकि यहां पर ये जो आपका पहला तरीका है इसी को पता है हम क्या बोलते हैं एस सी सी बोलते हैं कैसे बोलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरी पिक्चर देखने के लिए मिलेगा कि कैसे इसको एस सी सी बोलते हैं और ये जो आपने दूसरा टाइप का अरेंजमेंट किया है इसी को हम क्या बोलते हैं बीसीसी बोलते हैं ये दूसरा टाइप का अरेंजमेंट क्या कहलाता है बीसीसी कहलाता है तो देखो वो जो एस सी सी बी सी सी एफ सी सी पढ़ते हो ना आप वो ऐसे हवा में नहीं है कि बस एक पिक्चर बना देते हैं और मैम उसमें ना सारे आटम्स कॉर्नर पर होते हैं तो उसको एस सी सी बोलते हैं फिर अगर उधर आ, आ जाए क्या बोलते हैं एक बॉडी सेंटर पे तो बीसीसी सी बोल देते हैं हम फेस सेंटर पर आ जाए तो एफसीसी सी बोल देते हैं वो सब यहाँ से निकल कर आता है ये है दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट तो सॉलिड स्टेट में आप चीजों को ऐसा पार्ट्स में पढ़ते हो जबकि कुछ पार्ट्स में नहीं है दे आर ऑल इंटरलिंक्ड इंटर रिलेटेड है और पूरा बेस पहचानिए कि कहां से चीजें निकल कर आई है वो एस सी सी बी सी सी एफ सी सी बस ऐसा नहीं है हवा में कि बस छह फेस सेंटर पर रखा हुआ है अरे यार वो ऐसा एक अरेंजमेंट होता है सॉलिड होता है उसके अंदर आइटम्स अरेन्ज होते हैं कैसे अरेंज होते हैं वहां से आपके पास वो वाली पिक्चर निकल कर आती है बहुत मजा आएगा आपको जब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे ये वाले जो आइटम्स हैं वो आपका एस बना रहे हैं और कैसे ये वाले जो आइटम्स हैं वो आपका बी बना रहे हैं जाने के लिए ये वाली बात एस सी वाली आपको नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ कनेक्ट होना है अब भी आपको किधर भाग कर आना है इन दी स्पेशल क्लास क्योंकि आप मजा ही आ जाएगा आज आपका Solid state का टेस्ट होने वाला है मैंने आपको पहले ही कहा था कि कभी भी मैं सरप्राइज टेस्ट ले लूंगी और मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि आपका जो टेस्ट है वो कब होगा तो आज lecture five हो गया अभी टेस्ट के लिए गेट सेट और हम मिलते हैं हिंदी स्पेशल क्लास भूलना नहीं है सेशन को लाइक करना और एनरोल करा दीजिए आज शाम एट पी जो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रहा है उसके लिए भी ठीक है तो देखो इसके बारे में कल पढ़ेंगे यहाँ पर ये वही वाली कहानी लिखी हुई है ऐसे आइटम को रख दिया ऐसे आइटम को रख दिया आई थॉट ये आज हो जाएगा बट कल पढ़ेंगे फुल डिटेल में मजे से इसी के साथ साथ यू प्रोमिस्ड मी समथिंग क्या आप लोगों ने एक प्रॉमिस भी किया था कि आज ही हम लोग अपने छोटे भाई बहन सबको कॉल करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स को भी बताने वाले हैं कि आने के आनडमी प्रोडजी हो रहा है जहां पर पार्टिसिपेट कर कर बहुत मजा आने वाला है वैसे भी सबके साथ ज्यादा मजा आता है तो आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक यूविन है और वहां पर लिंक पर जाकर इनरोल करा देना है यूजिंग द कोड ए के लाइफ क्या होगा कि आप एब्सोल्यूट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे यह आपका ट्वेंटी थर्ड जैन होने वाला है सुबह सुबह दस बजे हो जाएगा और उसके बाद सेवेंथ एट नाइन्थ और आप लोगों के लिए तो है ही और जो हमारे ड्रॉपर्स है सबके लिए है लेकिन सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ क्लासेस के स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो आपको अपने यंगर सिबलिंग्स को पक्का से बताना है इस बार यार तुम्हारी उनसे बात भी हो जाएगी आज है ना तो आप जो है पक्का ही सब तो इसमें एनरोल करा देना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है एनरोल पहले ही करा दो सो दैट आप उसको मिस नहीं करें कई बच्चे बिल्कुल रेडी होते हैं पूरी पढ़ाई करते हैं और एनरोल कराना भूल जाते हैं तो फिर आप टाइम पर मिस कर देते हो इसी के साथ-साथ आपके पास देखो ऐसे टेस्ट में हमेशा ही पार्टिसिपेट करिए जहां पर बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है क्योंकि यहां से इतने बच्चों का जब कंपटीशन होता है तो नेक्स्ट लेवल मजा होता है क्योंकि यार आप समझ पाते हो कि अब भी आपका जो रिजल्ट आ रहा है आपकी तैयारी कैसी चल रही है है ना उसमें आपको एक मिलेगा आप समझ पाएंगे आप किधर स्टैंड करते हो अपनी गलतियों से हम सबसे बेस्ट सीखते हैं आपको पता चलेगा यार आपकी गलतियां किधर किधर हो रही है है ना यू डोंट रिपीट देम फर्दर और साथ ही साथ आपको उनका सोल्यूशन भी मिल जाता है सो यू गेट टू द राइट अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन डू नॉट मिस दिस एट ऑल और इसी के साथ साथ आई I मीन mean, आप ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पीट करेंगे यार और फिर हम आपको एक्नॉलेज भी करते हैं आपके एफर्ट्स को यू नो एक्साइटिंग मैं चाहूंगी जितने भी स्टूडेंट्स ए के ए लाइव यूज करने वाले हैं इनफैक्ट कोई भी कोड सबके घर ऐसा ही कुछ ना कुछ आ रहा हो और सबको एकदम मैसिव बढ़िया यू नो अमेजिंग सी स्कॉलरशिप मिल जाए पर उसके लिए द पहला स्टेप इज टू बिगिन एंड द बिगिनिंग इज वेयर पहले एनरोल तो करा दो ठीक है तो आपको जो है पक्का से एनरोल कराना है स्कॉलरशिप स्लैब्स आपकी इस तरीके से है मैं पीडीएफ दूंगी भी आपको ग्रुप पर तो उधर चेक कर लेना और शेड्यूल चेक कर लो एक बारी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग टेस्ट बजे भी है दो बजे भी है बारह बजे भी है डिपेंड करता है आपका क्लास कौन सा है ठीक है और यहाँ पर डेट्स भी अलग से है प्लीज प्लीज डोंट मिस योर डेट्स ठीक है तो इसको अच्छे से चेक करना आपका टेस्ट वन ट्वेंटी जनवरी को है टेस्ट टू ट्वेंटी है सो देर इज दिस सीरीज ऑफ टेस्ट ठीक है और आपका कौन कौन सी क्लास के लिए आपका कब टाइमिंग है प्लीज इसको चेक कर लेना मैं आपको या तो वीडियो पॉज कर लो नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फुल डिटेल है और मैं पीडीएफ दूंगी वहां भी आपको मिलेगा इसी के साथ साथ ये आपके बैचेज रनिंग है फॉर नीट यू जी जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है ये ट्वेंटी के लिए है और ये आपका ट्वेंटी के लिए है एंड देन डाउट बता दे कोई तो मजा ही आ जाता है और जिंदगी कितनी आसान हो जाती है तो ऐसा ही हो रहा है डाउट आपको सारे आपके बताए जा रहे हैं किधर अन अकेडमी पर आपको बस इस चीज का बेनिफिट अवेल करने के लिए जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेस करना है और उधर अपना डाउट पूछ डालना है इसी के साथ साथ मैं आपको बता चुकी हूं कि दिस इज द टाइम कि अगर आप अब, अब भी आपने सोचा है कि यार हाँ मेरे को भी इस, इसी तरीके से डिसिप्लिन वे में तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में अपनी प्रेपरेशन को ट्रैक पर लाना है देन यू कैन डेफिनेटली गो विथ प्लस फॉर आईकॉनिक डिपेंडिंग अपॉन वट एवर वर्क बेटर फॉर यू आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद आईकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्योंकि यहाँ पर आपको आपके पर्सनल मेंटोर्स मिलते हैं और बेंटोर्स के साथ वो आपको बेस्ट समझते हैं क्योंकि दे हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस सो मेनी ए आई आर्स दे हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी एस्पिरेंट ओवर देयर दिस एंटायर जर्नी कि बेस्ट समझ पाते हैं आपका कैलिबर क्या है आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस क्या है आप तो कहां पर कैसे आपसे वर्क कराना है सो so दैट आपका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपके लिए हो पाए यानी कि आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वहीं से आपका एक कस्टमाइज स्टडी प्लान निकल कर आता है जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ मिलता है नॉट विद प्लस सो आप देख सकते हैं वट एवर यू बेस्ट एंड द ऑफर इज ऑल्सो रनिंग और ये जो आपका ऑफर है दिस इज गोइंग टू बी साथ सिक्स मंथ के साथ वन मंथ एक्स्ट्रा एटीन के साथ टू मंथ्स ट्वेंटी फोर के साथ थ्री मंथ्स आपको फ्री मिल जाएगा यानी कि इतना यार इतना टाइम का सब्सक्रिप्शन आप लोगे तो यार इतना ही एक्सटेंशन मिल जाएगा और फिर अब आपको ये जो सिक्स मंथ सब्सक्रिप्शन uh, है उसके साथ भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ब्रांडेड नोट्स मिल रहा है पहले आपको वन या टू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ ही ब्रांडेड uh, नोट्स मिलता था बट अब आपको इसके साथ भी मिल रहा है तो एस्पिरेंट्स के लिए देर इज दिस वेरी गुड न्यूज सो गाइज गो फॉर इट एंड यार मेगा कॉम्बार्ट तो होता ही है मेगा कॉम्बार्ट अभी भी होने जा रहा है आपका हर संडे को होता है इस संडे भी रहने ही वाला है ठीक है सो दिस इज दिस इज दिस इज हाउ

और भाई अभी आपके पास इस तरीके से ये आपका सिलेबस रहने वाला है फॉर दी अपकमिंग कॉम्बैट सिक्सटीन ऑफ जनवरी सुबह ग्यारह बजे हर संडे सुबह ग्यारह बजे का टाइम आप वैसे भी लॉक कर लीजिए हमेशा ही कॉम्बैट होता है और इस तरीके से आपका स्केड्यूल होने वाला है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है साथ ही साथ आप लोग जो है फॉर प्लस अगर आप प्लस uh, में इंटरेस्टेड हैं तो प्लस के लिए यू नो मतलब आपको ऐसा आइकन्स uh, आ जाएगा आपके पास और जो भी आप लेना चाहते हो जस्ट चूज योर ड्यूरेशन वाइजली और फिर आपने क्या करना है यहाँ पर अपने कोड डाल देना है ए के लाइफ डो नॉट प्रोसीड विदाउट दैट क्योंकि जब आप कोड यूज करते हो तो जितना अमाउंट यहाँ पर है यू डोंट रियली हैव टू पे दैट मच है आपको इसका टेन परसेंट डिस्काउंटेड अमाउंट ही पे करना होता है तो जैसे ही आप कोड लगा देते हैं आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाता है चाहे आई पानी की हम बात करें या फिर प्लस इसी के साथ साथ बस अभी टाटा बाय बाय और हेलो आय करते हैं इन स्पेशल क्लास क्योंकि तो वहां आपका टेस्ट भी होने जा रहा है ठीक है सो अभी एल सी यू एट थ्री पी एम हिंदी स्पेशल क्लास बाय देन आई I मीन mean, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से और थैंक यू वेरी मच गुड लक टेक केयर